जीविका, अगर तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं है। भले ही वो भाभी को पसंद हो या मुझे भी, अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूं। आपने ये बात छुपा के सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा है आपने। आपकी एक छोटी सी गलती मेरी जीवी के सपनों और आस्था को, दोनों को मजाक बना के रख दिया। जीविका, वो प्रदीप दादा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जीविका, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। और कहा भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? आप ही ने तो कहा था। कुछ तो लोग कहें कि लोगों का काम है कहना। छोड़िए, कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए। जीविका, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, मेरी वजह से ही हो रहा है। तुम्हारे लिए मेरा परेशान होना जायज भी है और जरूरी भी। फिर से पूछ रहा हूँ, किसी ने कुछ कहा क्या? श्योर? तुम तैयार हो जाओ, मैं सोरा को भेजता हूं। और जीविका, हम जानते हैं ये शादी एक समझौता है, पर नहीं चाहते हुए भी हम एक बंधन में बन चुके हैं। जानता हूं हम एक दूसरे के जीवन साथी तो नहीं, पर साथी जरूर बन चुके हैं। एक दूसरे की खुशियां, दुख, परेशानियां बांट सकते हैं एक दूसरे के साथ। किस हाथ में हो, किसकी हथेली, कोई नहीं जानता। अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी। हमारी किस्मत में अगर अलग होना ही लिखा है तो कुछ कदम साथ चलने की भी क्या जरूरत है? और अगर साथ चलना ही है तो थोड़ी दूर ही क्यों? मेरे दिल से आपके दिल तक क्यों नहीं?